नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है रॉयल बुलेटिन। दर्शकों, आज रॉयल बुलेटिन अपना चुनावी सफर तय करते हुए बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी नवाबाद गांव में आ पहुंचा है। यहां से विधायक रहे हैं उमेश मलिक, जो कि भाजपा से हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं, यहां के इस बार गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल बालियान के पैतृक गाँव है। अब मैं आपको अंदर गाँव में लेकर चलूंगा और कुछ लोगों से बातचीत करूंगा, 5 साल भाजपा के कैसे निकले हैं उनके लिए। राजू है भाई, आप क्या करते हैं राजू जी? गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी चलाऊंगा। भाजपा सफल हो पाई नहीं हो पाई 5 साल में? बिल्कुल भी नहीं हो पाई। क्या समस्या रही है 5 साल में भाई? और बेरोजगारी। बेरोजगारी और काम तो छोड़ दिया ही नहीं कुछ किसी के। रोजगार खत्म हो चुका है। विधायक जी को जानते हैं अपने? जाने हैं। आए कभी क्षेत्र में? नहीं आए। नहीं आए 5 साल तो यहाँ गाँव में आया नहीं। 5 साल में गाँव में नहीं आए। तो चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार? चुनाव में जी वोट ही नहीं है माहौल की उनका। किसके वोट नहीं है? विधायक जी की जो उनका मौजूदा है भैया। अच्छा, विधायक जी की वोट नहीं है नहीं। तो सरकार किसकी बनेगी फिर? सरकार इनकी बनेगी जो उनकी वोट है, गठबंधन की। हाँ, और किसकी बनेगी भाई सरकार? अरे क्या नाम है आपका? पिंटू बालियान। आप क्या करते हैं पिंटू जी? खेती कर रहा जी। खेती करते हैं? हाँ जी। तो युवा है आप? हाँ जी। युवा के अनुसार भाजपा रोजगार देने में सफल रही है नहीं रही? ऐसा बल रही। क्या समस्या रही युवाओं के लिए? पेपर आउट देखे आपने कैसे हो? पेपर आउट एसआई का पेपर दे गए, अब तक भी मेरिट नहीं लगी। 4 साल हो लिए, 5 रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा, 5 साल हो लिए। कितने रुपए 1 करोड़ बाड़कू ने फॉर्म भरे थे? 1 करोड़ बाड़कू के 500 रुपए के हिसाब से देख लो फी जमा हो रही। अब तक सरकार ने उन पैसों का यूज इन निधि में और इधर उधर के कामों में, रैलियों में इनमें कर रही, मेरे पैसों के काम में कर रही वे। ठीक है, इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए युवाओं के अनुसार? चुनाव जैन चौधरी जी ने कह रखा है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा यूपी में। उन्होंने तो केंद्र में कहा था, केंद्र में नहीं दे पाई। यूपी में 1 करोड़ रोजगार देंगे? हाँ, 1 करोड़ देगा और वो देगा जैन चौधरी अड़क देगा। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी का तो पता ही नहीं चला आज। लो पता नहीं चला आज तक? नहीं नहीं चला। विधायक, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। सुरेश जी किसान है आप? किसान है जी। हाँ, किसानों के लिए बताइए 5 साल कैसे निकले भाई? 5 साल तो ये बस कुछ भी नहीं, बस बेकार ही है समझो। क्या समस्या? हाँ, समस्या तो जी सबसे ज्यादा तो ये खेती बाड़ी की है। ये जो हमारा सांड घूम रहे, इनकी सबसे बड़ी ज्यादा समस्या ये प्रमुख समस्या है। या प्रमुख समस्या तो यह है हमारा सांड होगी, और तो बाकी जो कुछ है वो तो देखा जाए। चलो कोई बात नहीं, पेमेंट सेमेंट भी थोड़ा लेट सेट मिल जा, थोड़ा सा उसमें भी चल जा काम, पर सबसे बड़ी समस्या इन सांडों की है। सांडों की समस्या? हाँ। विधायक जी को जानते हैं? कभी क्षेत्र में दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए इसको बीजेपी वाले को? जी जी, बस अभी दिखाई दिए थे जब वो इलेक्शन सा था, उसके बाद तो यहाँ आए नहीं कभी। कभी नहीं आए। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? क्या माहौल लग रहा है? राजपाल बालियान है यहाँ तो जी। राजपाल बालियान जी का माहौल? हाँ, पूरा का माहौल है मतलब ऐसा। हाँ जी, गठबंधन का ही। प्रदेश में सरकार किसकी बननी चाहिए आपके अनुसार? भाई सरकार तो इन्हीं की बननी चाहिए अब तो। गठबंधन की? हाँ, इनका तो पलट देंगे हम बिल्कुल। अच्छा, क्यों लगता है गठबंधन की सरकार बननी चाहिए वैसे? भाई ऐसा है, यही जो गठबंधन वाले इनका विरोध कर रहे, और तो कोई विरोध ही नहीं कर रहा, जो सच का साथ यही दे रहे हैं दद्दू, और कोई भी पार्टी अग्गे नहीं। क्या नाम है जी आपका? रघुमपाल। कह रहे हैं गठबंधन जो है विरोध कर रहे हैं, सच का साथ दे रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, गलत नहीं कह रहा। क्या लगता है 5 साल में क्या हुआ है? 5 साल में कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो था, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, किसान तो खत्म कर दिया ने। किसान भी, मजदूर भी, मजदूर भी खत्म कर। हाँ, तो क्या मांगे हैं इस बार किसानों की? मांग तो यही है भाई, 450 भाग अंडा बता दो। आश्वासन इतना दे रखा था, नुके रखा था, और क्या था ये सांड है भी, एक योगी एक मोदी, इनका नाम योगी मोदी टेक दिया तो। हाँ, वे घूम रहे और क्या है, खेतू खबे दिन में छोड़ दे, रात को पहरा दे इनका, और क्या है। विधायक जी दिखाई दिए कभी? विधायक जी का सपने भी नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं आता हो तो याद नहीं करता भी नहीं आता, पता विधायक था कहा, कोई काम पर जा वहाँ भी नहीं करता था। वहाँ भी नहीं, वो तो नंबर 2 का आदमी है भाई। क्या लग रहा है, क्या चुनाव में यह होगा गठबंधन वाला? गठबंधन? हाँ जी, पक्का पक्का। कह रहे हैं चुनाव में गठबंधन आएगा? हाँ जी। क्यों लग रहा है आपको भी? यही लग रहा है, एक तो बिजली की बिल ज्यादा है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या तो यार फिर और कुछ हो गया है। अच्छा, 5 साल में ये बड़ी समस्या रही है? ये सब तो बड़ी तो समस्या है जी। है जी, मील की पेमेंट की क्या हाल है? मील के पेमेंट पहले तो खतौली वाला का तो चलता ही रहे जी, तो थाना भवन वाला का, इनका बुढ़ाने वाला का लोग भी नहीं है। हाँ, तो चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव में ये गठबंधन की सरकार बनेगी।
आपका नरेश। नरेश जी आप भी किसान हैं? हाँ जी किसान हैं। किसानों के लिए बताइए क्या समस्या रहेगी इस बार? कहीं भाव नहीं बढ़ाए, कहीं जो चीज किसान मोल जाता है उसके भाव बढ़ा दिए, किसान की चीज का कोई भाव नहीं बढ़ाया। तो क्या 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए? 5 साल में 25 रुपए? हाँ, क्या क्या बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया। जी कैसे रहे, दिखते हैं कभी क्षेत्र में? ना हमने तो कुछ देखे नहीं, कहीं अखबार कोई विकास करे हो ऐसा? विकास वगैरह कुछ नहीं है ना। तो चुनाव में क्या लग रहा है, क्या मूड है इस बार चुनाव में? क्या होना चाहिए चुनाव में? आप अपना को जिताओगे? गठबंधन को जिताएंगे। गठबंधन क्यों, क्या लगता है गठबंधन क्यों जिताना चाहिए? क्या जरूरत है गठबंधन की? ये लोकदल किसान के लिए ठीक है, किसानों के लिए ठीक है जी। नाम है आपका? असगर। क्या लगता है भाजपा सफल हो पाई नहीं हो पाई 5 साल में? हमारे लेकर हो नहीं पाई। क्या समस्या रही है 5 साल में? समस्या है झगड़ों की, पर वो है साम्प्रदायिकता वाला माहौल। हाँ? था अभी तक कौन सी बेहतर रही है सरकार अभी तक आपके अनुसार? बेहतर तो मायावती की भी रही, अखिलेश की भी रही, सारी इससे बेहतर ही बेहतर है, सारी इससे सारी बेहतर है। विधायक जी को जानते हैं अपने? नहीं। हाँ जाने। कभी आए हैं क्षेत्र में? नहीं आते, बस आ तो जाइए आने का है। विकास कार्य दिखते हैं कुछ क्षेत्र में? कुछ देखा नहीं। आ तो चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? राजपाल सिंह जी इतने आ तो गठबंधन। गठबंधन है? गठबंधन पसंद है आपकी पहले? हो क्यों, बढ़िया आदमी हूँ। कभी दो बार पहले रह लिया जी, बढ़िया काम करे, ये बढ़िया करागा। किशन पाल। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। युवा है आप? हाँ। सफल रही नहीं रही 5 साल में? नहीं नहीं ठीक है, भाजपा से बढ़िया कुछ नहीं है। अभी जंगल में इधर को रास्ते पे जाते बुढ़ाने से, इधर से रास्ते में सांझ के टाइम ही लूट लेते, अब कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम आ जाओ। अब कोई समस्या नहीं, नगर निगम? हाँ कम है। भाई जी उन्हें तो मैं जानता नहीं, खैर मैं यहाँ का हूँ नहीं, पर मेरे साथ जैसे मैं बाहर का हूँ तो हमारे मेरे लिए तो कोई यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारे सामने सब कुछ बढ़िया है। पढ़ना भारी है इस बार, क्या लगता है? देखो जी इन तो इलेक्शन है, सभी चल रहे हैं अपने उसमें, पर आओगी तो बेहतर बात पता है, आओगी तो बीजेपी आओगी पक्का 100%। कितनी उम्र हो गई वैसे आपको? इसके पिताजी हैं। इसके पिताजी हैं। कितनी उम्र हो गई आपको? 71 साल। सरकार बहुत देखी होंगी प्रदेश में, देश में सबसे बेहतर कौन रहा अभी तक? अजी ऐसा है किसानों को इनने तो कुछ दिया नहीं भाजपा ने, और महंगाई बता दी, जो दिए ये मेरे पति कटौती और ना दी। सबसे प्रमुख समस्या क्या रही है 5 साल में किसानों? 5 साल में रही तेल की भी समस्या बड़ी, और भाई किसान को पैसा नहीं बढ़ा गन्ने पे, गन्ने पे पैसे नहीं बढ़ाते। हाँ। इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? इस साल ये राज्यपाल ही होगा मैंने हाथ। प्रदेश में किसकी सरकार सही रहेगी? लोकदल की रहनी, गठबंधन सही रहेंगे। हाँ ठीक है। आपका परविंदर कुमार। क्या करते हैं सर आप? खेती। खेती करते हैं। क्या लगता है किसानों के लिए भाजपा सफल रही है नहीं रही? किसानों के लिए भाजपा सफल रही है। क्या समस्या हुई है 5 साल में? 5 साल में जब से भाजपा सरकार आई है महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ। डीजल महंगा, दवाई खाद जो खेती में यूज हो, और जो गन्ना है हमारा उस पर कोई दाम नहीं बढ़ा, दाम बढ़ा तो बहुत कम बढ़ा। जितनी मांग थी उतना नहीं बढ़ पाया? जितनी नहीं, जितनी मांग थी उतना नहीं बढ़ पाया। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन भाजपा सरकार ठीक नहीं है। भाजपा सरकार ठीक नहीं है। चुनाव में क्या लगता है क्या माहौल बन रहा है, क्या होना चाहिए? चुनाव में तो माहौल ठीक है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? राष्ट्रीय लोकदल का पलड़ा। लोकदल का पलड़ा। क्या नाम है आपका? रामू मुखिया। क्या लगता है भाजपा सफल हो पाई नहीं हो पाई 5 साल? नहीं होगी सफल। क्या रहा 5 साल में, क्या समस्या रही? 5 साल में समस्या समस्या क्या समस्या? मैं तो गन्ने का भाव बता 5 साल में न पेमेंट ढंग दाता, अरे वो गांव छोड़ रखी है ना तो खेत में रहना पड़े। हाँ विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी तो आज दिखे नहीं 5 साल में। सफल हो पाए नहीं हो पाए? नहीं सफल, सफल नहीं। चुनाव में क्या लगता है क्या होना चाहिए? चुनाव में गठबंधन की जीत होगी। गठबंधन की जीत। हाँ जी। आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? चुनाव में तो हरी पड़ी भाजपा। हरी पड़ी और कैसे? ऐसे ही जी, हमारा भाव नहीं बढ़ाते, अपना भाव बढ़ाओ जा, हमारा बढ़ाते नहीं, हमारे 5 रुपए साल बढ़ाए उनने, 5 साल हो लिए 25 रुपए बढ़ाए, और डीजल का बढ़ाए 10 रुपए भिन्ना। हाँ 10 रुपए भिन्न में 10 रुपए बढ़ावे डीजल पे तो। हाँ और चीज जीवन भी बढ़ावे। महंगाई रही है मतलब? हाँ महंगाई भी रही। किसानों की क्या समस्या रही है? किसानों को अरे सबके खाते खुलवा दिए, उनके भी रुपए दिए, उनके 15 करोड़ खाते में दूंगा, हमें तो चुनी दी नहीं उनने। विधायक जी कैसे रहे, जानते हैं विधायक जी को? नहीं। कौन से? हमने तो आज देखे नहीं विधायक सीट वाला। नाम
पता है नहीं पता? नाम कभी नहीं पता, भाजपा का आएंगे का बताओ गठवाला का कौन है भाई? अच्छा, तो चुनाव में क्या लगता है क्या होना चाहिए? चुनाव में तो भरवाड़ा जितने बढ़िया लोकदल का राजपाल सिंह बालियान जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। किसान है आप? हाँ। किसानों के लिए सफल रही है भाजपा सरकार? नहीं। क्या समस्या रही है? समस्या महंगाई इतनी ऊंचा ठेक दी गाड़ी ने। और बहुत समस्या है किसानों की। किसानों को इस बार चुनाव में क्या मांगे हैं किसानों की? किसानों की चुनाव में मांगे एक तो बिल, एक तेल, खाद, इन पे पैसा नीचे होना चाहिए, पैसे कम होने चाहिए। हाँ, सारी चीजों की पेमेंट सही आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही मिली की पेमेंट। नहीं सही नहीं आ रही। विधायक जी को जानते हैं आपने? हैं विधायक जी? हाँ, विधायक जी जानते हैं। क्या नाम है विधायक जी का? राजपाल बालियान। जो उमेश मलिक? ना ना, उसका हमारा कोई संबंध नहीं। आते हैं कभी? दिखते हैं क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं दिखते। चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार लोकदल जीतेगी यहाँ से। लोकदल क्यों जीतेगी, क्या कारण? लोकदल यूँ जीतेगी, लोकदल ने, राष्ट्र लोकदल ने किसानों को साथ दिया, इसलिए जीतेगी। हाँ, सुनती है, उसका साथ दिया, हर एक जहाँ साथ देती है। वीरेंद्र, आप क्या करते हैं? किसान है। किसान है? किसानों के लिए कई सरकार देखी होंगी आपने प्रदेश में? हाँ, बहुत देखी। सपा, कांग्रेस, बहुत देखी, बहुत देखी। क्या लगता है अभी तक सबसे बेहतर कौन रहा? सबसे बेहतर रहा अखिलेश। कैसे अखिलेश जी बेहतर रहे हैं? बस बेहतर ही रहे, एक तो गंडा का भा दिया। हाँ। पेमी टेम पे दिया। बिल 16 मतलब जो बिल आधा था इब जो दूना हो रहा वाला जी। नूंगा तेल 100 रुपए लीटर उबाती कहीं तक करे। नूंगा बछड़े 100 सारे सारे खेत खा दिए। रात को भी दिन में पड़ा पड़ते हम खेत में रहे। हाँ, और इस बत्ती क्या रहेगा भाई? ये समस्या हुई है 5 साल में। हाँ। अच्छा, विधायक जी कभी दिखे नहीं दिखे? विधायक जी तो इस क्षेत्र में ना तो आए ना आवे, आवेंगे तो पिटेंगे। अच्छा, विधायक जी पिटेंगे मतलब? हाँ, ठीक है। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या होना है? चुनाव में लोकदल का जीतेगा हमारे यहाँ तो पक्का। अच्छा, लोकदल के जीतेंगे? हाँ, राजपाल बालियान। क्यों जीतेंगे, क्या कारण लगता है भाई? इनमें खूबी है, ये शुद्ध सच्चे है, किसानों के बीच में रहे 24 घंटे। हाँ, इसलिए जीतेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू बालियान। सोनू जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और क्या होने जा रहा है इस बार चुनाव पे? महंगाई, बेरोजगारी वैसे ही है। हाँ, गन्ना के भुगतान? गन्ने का भुगतान हो रहा है टाइम पर? नहीं हो रहा। नहीं, विधायक जी दिखाई दी है 5 साल में, विकास कार्य कुछ दिखता है नहीं दिखता क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं दिखता जी, बिल्कुल नहीं दिखता। नहीं, ठीक है। तो चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार फिर? गठबंधन ना लगा। अच्छा, गठबंधन ना लगा। हाँ जी, क्यों आना चाहिए गठबंधन? नहीं, जिन्हें अच्छे काम करे, अच्छे काम करे, पहले भी। हाँ, किसानों के लिए अच्छे? हाँ, किसानों के लिए, युवाओं के लिए भी बहुत नौकरी दी। हाँ, नौकरी, युवा है आप, नौकरी मिल पाई? नहीं मिल पाई, बिल्कुल नहीं मिली जी। रोजगार की समस्या प्रमुख है। शब्द बढ़िया। ऋषिपाल, ऋषिपाल जी क्या करते हैं आप? बढ़ई गिरी का काम। भाजपा कैसी लगी 5 साल में? ठीक लगी जी। ठीक लगी? कैसे ठीक लगी, क्या हुआ है 5 साल में? सब काम ठीक ही चल रहा है जी, कोई समस्या नहीं है? समस्या तो रही है इंसान को जी। समस्या है? हाँ, समस्या तो समस्या ही समस्या जी इंसान के जीवन में। तो इन 5 सालों में ज्यादा समस्या हुई है कम समस्या हुई? नहीं, उनकी तरफ से समस्या ना मानो, आप समस्या पूछ रहे, जीवन में समस्या ही समस्या। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मैं विधायक जी से मारा, मैं तो कुछ ऐसा काम पड़ा नहीं जी, ठीक रहे। विकास कार्य कराए नहीं कराए? दिखेगा भी नहीं दिखे गांव में? नहीं, गांव में नहीं दिखे जी, नहीं दिखे जी। हां जी, चुनाव में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है इस बार? सभी का पलड़ा भारी जी, भी तो सबका पलड़ा भारी। हां जी, सब अच्छे आपके लिए? सब अच्छे। आपका? जगमेर सिंह। आप क्या करते हैं? खेती करे भाई। खेती करते हैं? हां जी। अभी तक बहुत सरकार देखी होंगी आपने प्रदेश में, देश में। किसानों के लिए सबसे बेहतर कौन रहा है अभी तक? इब जो पहला तो चरण सिंह था, इब जो अजीत सिंह रहा, इब जो जैन साहब रहेगा। हाँ जी, ठीक है। 5 साल कैसे निकले हैं? 5 साल ऐसे निकले जो, हाँ, जो मान लिया भैंस बंद रही और बिजार हमें कटाक देनी कर जा। हाँ, मिनट भाई जी, बहुत बुंडी हालत है। हाँ, देसी का तो देसी का हूँ, और जब गेहूँ बो रखे सब खाती है, बता क्या कर। तो किसानों की प्रमुख समस्या ये रही है, सब तो बैंक। हाँ हाँ जी, ठीक है। और ना पेमेंट देते, पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही। अरे नहीं, जब मान लो कोई किसान बेच भी ले था अपनी, सीधा कहाँ ले जाए भाई, कोई बिगड़ नहीं देता, इतने बुंडे तंग हो गए, इनते तो आड़ नहीं रही, तंग हो गए। ठीक है। हाँ, विधायक जी कैसे आए हैं, कभी नहीं आए? अच्छा, हाँ, क्या मतलब उसका? वो तो जाएगा बुढ़े ना, और उन्हें तो करे ही नहीं कुछ, कभी कुछ नहीं करा।
उसके लग... चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में हार होगी पक्की निश्चित, बीजेपी की हार। हाँ जी, और राजपाल वालियान जीतेगा। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। आप भी किसान हैं? हाँ किसान। किसानों की क्या समस्या चल रही है इस बार? समस्या ही समस्या, किसानों को और क्या है? क्या समस्या है? गन्ने का परमिट नहीं आता। और क्या है भाई, छोड़ रखे योगी आगे, योगी ने क्या छोड़ रखे? बछड़े बछड़े ली लगा, ये देखे मेरे के भी खा लिया दो, फसल खा रखी है उन लोगों। हाँ अच्छा, विधायक जी कैसे रहे? वैसे कभी आते हैं क्षेत्र में? नहीं आते। एक अंडे के नहीं, विधायक जी एक अंडे कभी देखे नहीं? देखे विधायक अपने? कौन सा विधायक? उमेश मलिक के विधायक रहे। उमेश मलिक तो एक अंडे कभी नहीं, कभी नहीं आए। चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार? चुनाव में तो राजपाल बालियान जीतेगा। गठबंधन जो है, हाँ गठबंधन, क्यों गठबंधन जीतेगा? क्यों पसंद आ रहा है? पसंद नहीं है यार, बढ़िया काम करोगे? काम बढ़िया करेंगे। हाँ पहले भी करे कहना तो। मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक जी आप क्या करते हैं? हम दुकान करते हैं जी। किस चीज की दुकान करते हैं? परचून की। कैसा चल रहा है काम धंधा सब? काम बेकार हो रहा है सारा काम। कैसे बेकार हो रहा है, क्या समस्या आ रही है? भाजपा ने पहली बार तो मकान नहीं बनवाया, 11 साल हो गए, दो दिन होगी। मलिक साहब, हाँ इबलो का मलिक साहब मकान पर भी नहीं आए। अच्छा मकान की फोटो देख लो। मकान है आपका? कितनी बार आवेदन कर चुके हैं आप? कई बार आवेदन कर चुके हैं। हाँ जी। कितने मकान बने होंगे आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से? 17-18 मकान बन गए, हमारे नहीं बने अब तक। 5 साल में 17-18 मकान? कितने कच्चे? 5 साल में 4 मकान आए। 4 मकान आए हैं? हाँ जी, हमारे नहीं आया। अच्छा विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी एक बार भी नहीं आए। 5 साल में कभी नहीं आए? नहीं आए। वहाँ कराया कुछ? नहीं कराया। नहीं कुछ भी नहीं करवाया। क्या लग रहा है? लोक दल को देंगे वोट। लोक दल को देंगे? क्यों लोक दल को? वैसे क्या कारण है? मकान बनाऊंगा मैं लोक दल वाले। मकान तो वो भाजपा के नीति है प्रधानमंत्री कहाँ बनवाए भाजपा ने भी लोग का? आपका नहीं बना? नहीं बना। चोर चार तो आप क्यों नहीं बना? मुझे क्या, आप क्यों नहीं बना? वो देखिए अभी दीपक जी बता रहे थे कि हमने 10-20 बार आवेदन कर चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना का, लेकिन आज तक हमारे मकान के पैसे नहीं आए हैं। चलिए अब इनका मकान देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी बार आवेदन किया है और क्या लगता है भाजपा इनकी मदद कर पाई या नहीं कर पाई? अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा इनका मकान दिखा दे। कच्चा मकान है बिल्कुल, लगातार 10-20 बार आवेदन करने के बाद भी सरकारी योजनाएं जो हैं धरातल पर नहीं पहुंचती हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार नाम है जी। दीपक जी कितनी बार आवेदन कर चुके हैं इस मकान के लिए? 10 बार आवेदन कर चुके हैं जी। अच्छा कितने मकान बने हैं घर में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के? इसमें 4 बने हैं अब तक बस गाँव में। गाँव में 4? ये शौचालय देख रहा हूँ, ये किससे बनवाया है? यह भी बना जी, प्रधान जी ने कहा था। ये सरकारी योजना के तहत बना है? हाँ जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तो मकान में नंबर क्यों नहीं आ रहा फिर? पता नहीं क्यों नहीं आ जी, ये भी अभी बने। अभी बने हैं ये भी? हाँ ठीक है। ऋषिपाल है जी। आप भी किसान हैं? हाँ जी। ऋषिपाल जी क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है, किसका रुझान लग रहा है? चुनाव में तो जी लोक दल का ही, यहाँ तो लोक दल का ही आ जाते हैं। लोक दल का रुझान? हाँ जी। भाजपा कैसी रही 5 साल में? भाजपा जी देखो बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं कराया। भर्ती कहते उसकी शिक्षकों की 70,000 की निकलेगी, इतने की निकलेगी, भर्ती करा रहे 1500 की, वो भी पूरी नहीं है। जोन सी भर्ती निकले वही कोर्ट में। रोजगार की समस्या रही है? रोजगार की समस्या है जी। बच्चों के लिए तो भविष्य खराब ही हो गया 5 साल में। बच्चों के लिए भविष्य खराब हो? हाँ जी। तो ठीक है। विधायक जी कैसे रहे हैं वैसे? वे उमेश जी, हाँ बस जी मेरे ख्याल तो कोई ऐसा उनका कोई संबंध ऐसा खास रहा नहीं। तो विकास कुछ दिखता है गांव में क्षेत्र में? विकास विकास तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जोन से भी आए थे एक तो करवाई थी। हाँ जी ठीक। मैं डॉक्टर हूँ जी। डॉक्टर है? हाँ जी। युवा है आप, युवाओं के अनुसार बताइए भाजपा सफल हो पाई नहीं हो पाई 5 साल में? नहीं जी बिल्कुल नहीं सफल हो पाई। कैसे सफल नहीं हो पाई, क्या समस्या रही? रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं कराया जी। और कुछ भी नहीं जी 5 साल में? कुछ नहीं 5 साल में इसने कुछ नहीं कराया। विधायक है मेरे गांव का, यहाँ का उमेश मलिक, एक बार भी नहीं आया जी यहाँ। 5 साल में कुछ दिखता है नहीं गाँव में? 5 साल में कोई विकास नहीं है जी। हमको जाओगे तुम देख लियो अभी किचगढ़ हो रहा सारे में। चुनाव में क्या लगता है किसका बड़ा भारी है? चुनाव में अखिलेश जी आवेंगे। अखिलेश जी क्यों आएंगे? अखिलेश जी ने पहले भी नौकरी दी काम कराया उन्होंने जी। हमारे यहाँ तो खैर RLD का है जी, RLD का समर्थन हो रहा है इनका, गठबंधन का, गठबंधन का समर्थन है। तो अखिलेश जी पसंद रहेंगे आपके? हाँ जी। रोजगार देते हैं इसलिए? रोजगार है जी, और वो काम तो ठीक करे क्या जी। गुंडागर्दी कम है नहीं है वैसे? मुझे गुंडागर्दी पहले भी कम ही थी जी, अखिलेश जी के टाइम में भी गुंडागर्दी? हाँ जी बिल्कुल कम थी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कुमार। आप भी किसान हैं? जी हाँ। किसानों के लिए बताइए प्रमुख मांगे क्या हैं इस बार किसानों की, ये होना चाहिए ये मांगे हैं? किसानों की मांग तो भाई यही है, ये बाजार से खत्म हो जाए, खेत कटते नहीं, हर भाई पेमेंट टाइम पर हो जाए, बिजली बिजली तो बेहतरी चली रही है, बिजली सब सही आ रही है, बिजली की कोई समस्या? 5 साल कैसे निकले हैं?
पाँच साल में दिक्कत ही है पैसे की भाई, टाइम पे पेमेंट तो होया नहीं कभी, टाइम पे पेमेंट नहीं हो और पेमेंट नहीं बढ़ा, रेट नहीं बढ़े, रेट नहीं बढ़े। हाँ, जो जिस दर तक बढ़ने चाहते जो पहले बढ़क रहे थे हर साल बढ़क रहे थे 10-20 रुपये, इसमें 4 साल में ये बढ़े 20-25 रुपये बढ़े, तो हर साल 20 रुपये का गन्ने की समस्या, पेमेंट की समस्या है बहुत तकड़ी है, पेमेंट बढ़ना चाहिए गन्नों के मील की, तो वो आती है। अरे वो पेमेंट नहीं, रेट भी नहीं बढ़े, रेट बढ़ने चाहिए गन्नों के। हाँ, बढ़ने चाहिए, नहीं जी सबके बढ़े है भाई, महंगाई भत्ता तो हमें मिले ठीक है, और किसान को भी मिलना चाहिए भाई। यहाँ जो है मैन फसल गन्ना ही है, हम तो गन्ने की मांग करेंगे, हम यहाँ करते नहीं। विधायक जी कैसे रहे हैं, जो उमेश मलिक जी विधायक रहे हैं आपके भाई? हमने तो भाई साहब देखा नहीं, विधायक जी कैसे, आपने भी विधायक जी नहीं देखे कभी? ना भाई, हमने कुछ देखा नहीं भाई, हमने चुनाव में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी भाई हमारे गाँव में तो राजपाल वालियान है, लोकदल से भारी है, लोकदल सही रह गया था प्रदेश में, गठबंधन गठबंधन जीतता। अरे पहले से ही बढ़िया रही वो, किसानों की हक्की तो पहले से ही रही, मुलायम सिंह भी अच्छा ही रहा किसानों का, तो मायावती भी बढ़िया रही, लेकिन भाजपा सही नहीं रही आपका? बताओ क्या कुछ करा हो अच्छा? तेजपाल, आप क्या करते हैं तेजपाल जी? मैं तो छोटा सा किसान हूँ, 5-6 बीघे, छोटे से किसान है। किसानों के अनुसार बताइए अभी सबसे बेहतर कौन रहा है प्रदेश में, किसने विकास किया है किसानों का? किसान के हक में तो कोई भी गवर्नमेंट बेहतर नहीं रही आज तक की, आज तो जितनी बेहतर नहीं रही ना रही, बताओ कौन सी रही? या रही ना पहली रही और अगली उम्मीद नहीं, केप तक कौन आवे? 5 साल कैसे निकले हैं भाजपा के? वैसे ठीक निकले, ठीक निकले, मतलब मजा नहीं आया, ठीक निकले? मजा मुझा तो क्या आना, हमें तो वही करना खाना नु है, थोड़ी बहुत गुंडागर्दी, थोड़ी बहुत इस्ता आजादी मिली, और कुछ और कुछ नहीं है सर ना। अच्छा, विधायक जी कभी दिखे गाँव में, जो उमेश मलिक जी विधायक रहे हैं बड़ा? हाँ दिखे, कई दफे दिखे, कई दिखे दिखे, विकास कार्य भी दिखते हैं कुछ? विकास कार्य भी दिखते हैं कुछ? नहीं, विकास विकास कुछ गाँव में तो हुआ नहीं, गाँव में विकास नहीं हुआ। चुनाव में क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा, कौन सही रहेगा प्रदेश के लिए? अजी चुनाव तो है किसी बंदी मुट्ठी, इसका पता नहीं लगता, लोग कहें कुछ और करें कुछ, फिर पता कुछ नहीं, कंगे वो पब्लिक झुक जा, पब्लिक का रुझान है। ठीक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।